आसनसोल के पूर्व मेयर से भाजपा के कद्दावर नेता जितेंद्र तिवारी को आसनसोल अदालत ने जेल का रास्ता दिखा दिया है। करीब 1.5 घंटे तक चली बहस के बाद जितेंद्र तिवारी को आखिरकार 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। बता दें कि पुलिस की तरफ से मामले में आगे की जांच के लिए 5 दिनों की पुलिस हिरासत के लिए आवेदन किया गया था। साथ ही जितेंद्र तिवारी ने भी इस दिन अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। वहीं दोनों ही आवेदनों को अदालत ने खारिज कर दिया। इसके बाद सुनवाई के बाद कोर्ट से निकलते हुए जितेंद्र तिवारी ने कहा कि रामनवमी में उन्हें शामिल होने नहीं दिया गया है, हो सकता है बंगला नववर्ष पे भी उन्हें नहीं निकलने दिया जाए। उन्होंने कहा कि आसनसोल ने सर नहीं झुकाया है और झुकाएगा भी नहीं। बता दें कि कंबल वितरण के दौरान हुए भगदड़ में 3 लोगों की मौत के मामले में जितेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया गया था। देखिए कि सरकारी अधिवक्ता सोमनाथ चट्टराज ने क्या जानकारी दी। क्या राय हुआ सर? आज हमने फिर से पीसी मांगा था और उन्होंने जमानत का याचिका दायर किया था। दोनों का सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने पीसी रिजेक्ट करके उनको जैसे भी भेजा है। उन लोगों का जो जमानत का याचिका था उसको भी खारिज किया है। उनको 11 तारीख तक 11/4/2023 तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। और कुछ नया मामला उनके पास? नया मामला नहीं, हम लोग सारे चीज़ कोर्ट के सामने रखे थे कि क्या है, क्या फर्दर आ सकता है इंटरोगेशन में, ये सारे चीज़ रखे थे। तो कोर्ट कन्विंस होकर उनका जो बेल पिटिशन वो रिजेक्ट करके उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। सीबीआई का भी कुछ कोई नहीं? सीआईडी सीबीआई का डिमांड किया गया है जांच में? वो मैं दैट्स नॉट विद इन माय नॉलेज। सर आपका परिचय? मेरा नाम सोमनाथ चट्टराज, मैं इस केस का स्पेशल पीपी। देखिए कि जितेंद्र तिवारी ने क्या कुछ कहा। रामनवमी ते बेरो तो दिलो ना जानी ना पहला बैशाख की करबे सर जे पीछे करिया नहीं यार की करे पहला बैशाख को बेरो तो दाई कि ना देखी आरो अनेक रकम परिकल्पना करछे सरकार देखा जा मानुसे काज करार एही পরিণতি হতে পারে আসানসোল মানুষ এটা দেখছে, কিন্তু তবুও বলছি আসানসোল মাথা নিচু করেনি, আসানসোল মাথা নত করবে না।